हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द कॉम्पिटेटिव फंडा। समस्त स्वागत करुच्छी आम चैनल को। तो चलतु पॉलिट्री जो आम फंडामेंटल राइट्स नहीं जो सीरीजा कंटिन्यू करते आम कंटिन्यू करदे आज सारि भी दवा ट्राए करवा। तेना देखा फास्ट अच्छे कौन खाली आम पढ़ी सारी आर्टिकल बारु नहीं कि धारा बारु नहीं कि केते पर्यंत पढ़ी सारी बारु नहीं कि कोड़े पर्यंत पढ़ी सारी क्लीयर। एवं नेक्स्ट देखा कोड़े कौन देखा धारा कोड़े वर्णित होता व्यवस्था दोषी व अपराधी बेचित होता व्यक्ति को तीनो अधिकार प्रदान कर कौन अच्छी कौन व्यक्ति से ही समय प्रचलित ना कौन आईन अनुसार दंडित होना ताने कौन मुझे गोटे केस कली से ही समय गोटे आईन अच्छी कौन ना जी जड़े मर्डर कर 10 वर्ष जेल पुणी गवर्नमेंट एवं कौन कला संशोधन करदेव कौन ना जी मर्डर कर 50 वर्ष जेल हम तार जो जिते बड़े आईनटा जिते बड़े कांडटा करी से समय मत कौन मिल से अनुसार मत दंड मिल। सेकेंड हूँ कौन कौन व्यक्ति गोटे अपराध दुई थर दंड भोग करेंगे ना तो कौन हम गोटे जदि थे मर्डर कर थे दंड भोगी डबल कहीं करेंगे सेमती हेनी कौन व्यक्ति को निज विरुद्ध साक्ष्य देवा बाध्य ना तो कई निज विरुद्ध किए देखित कि साक्षी दिखते सेमती है ना जोटा कि आर्टिकल धारा 20 कहते आर्टिकल 21 इंपोर्टेंट आर्टिकल धारा 21 सब इंपोर्टेंट कौन देख ए अनुसार आईन अनुमोदित पंथा भिन्न भिन्न कौन पंथार नागरिकों तार जीवन एवं व्यक्तिगत अधिकार वंचित करना ताले लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ताले जदि तुम रास्त जाऊ 10 जन लोक आस मारे तो तुम जन को मारी मारी तुम निज जीवन बचापी जब मारु मारु मारि भी देल ताल तुम किसी प्रोब्लेम हम ना क्लीयर। शिक्षा लाभ मौलिक अधिकार भाव संविधान को धारा 21 क को जोग कराने कौन आम एजुकेशन टा कौटा जोग कर फंडामेंटल राइट्स 21A जोग कर 2000 मसीह एप्रिल मस 1 तारिख रु कार्यकारी नूतन शिक्षा आईन अनुजाई 6 वर्षरु 14 वर्षर मध्य बालक और बालिका मानी शिक्षादान मागणा और बाध्यतामूलक होतीपाई तुम स्कूल 6 रु नहीं कि 14 वर्ष पिला देख सब सुविधा सुजोग गवर्नमेंट दूसरी चाउल दूँ ड्रेस दूँ साइकल दूँ मिड डे मिल दूँ सब जिन दूँ कि नहीं तत्सबंधी खर्च राष्ट्र बहन कर गवर्नमेंट कौन कर खर्च तेन जो मैंने कलेज पढ़ुत कि चाउल दिना तो कि ड्रेस दूना से मर हो जिनसटीपर धारा 22 एवं देखिया कौन धारा 21 चलेगा एवं आर्टिकल 22 देखा अनुजाई प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्त केतोटी सुरक्षा अधिकार बल से पुलिस बेआईन गिरफ्तारी ठार निजक मुक्ति करें तो कौन हम जी पुलिस जी बेआईन जी मत नहीं एकाथर बेआईन नहीं गिरफ्त करदेव तुम कौन कर बचे पार यही धारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कौन व्यक्ति को पुलिस मनइच्छा गिरफ्त करना जी यहाँ था मनइच्छा जी आर्टिकलटा न था ही था कौन आर्टिकल मैंने धारा न था तो पुलिस मनइच्छा गिरफ्त कर दे गिरफ्त होता प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्त होबार कारण यथाशीघ्र जनवाई पड़ो तो कौन पर गिरफ्त कर मत गोटे चार्जसीट दि एफआईआर देखाओ कौन पर मत गिरफ्त कर पुलिस गिरफ्त कर व्यक्ति जनक चाहिए से निज पसंद अनुसार वकिल सहित परामर्श कर निजर प्रतिरक्षा व्यवस्था ग्रहण करें देख बहुत लोग वकिल व्यवसाय करते ना वकिल वकिल को डाक कथ कहते कि ना गिरफ्त होता व्यक्ति को गिरफ्त कर 24 घंटा मध्य निकटतम मजिस्ट्रेट अदालत में दाखल करने बाध्यतामूलक मार्क माय पॉइंट बाध्यतामूलक जदि ये जिनसा बाध्यतामूलक अच्छी तेल पुलिस जहाँ को भी अरेस्ट कर 24 घंटा भितर नहीं क्या पाखे दाखल कर जज पाखर दाखल कर लेट फॉर एग्जांपल मु आम घर पाखर गोटे घर चोरी है कौन है थेफ्ट है जो चोरी है मुझे घर पाखापाखि बुलूली मुझे बुलूली लेट फॉर एग्जांपल मुझे बुलू तेल सी देखा कौन मुझे बुलू तले से कौन कला जैसे पुलिस रे कौन कला ना एफआईआर देदेला कौन कला पुलिस रे एफआईआर देदेला पुलिस देखला कौन जेहेतु मु सस्पेक्ट अच्छी पुलिस आइला कौन कला ना मत टेक्निक पड़ेगा टेक्निक पड़ेगा सीना कि पुलिस कौन कर 24 घंटा भितर मत नहीं कौटी ना कोर्ट्रे हाजर कर कौटी ना कोर्ट्रे कोर्ट देख कौन मत पचार कौन कौन होता नई कौन तुम से करूल जदि कोर्ट सैटिस्फाइड हो कि ना मुझे चोरी करनी तो कोर्ट मत कौन करदेव बेल देदेव कोर्ट मत कह कि ना यार किसी असुविधा ना तो छाड़ कौन बुझिपाल अटे मजिस्ट्रेट को बिना कौन व्यक्ति को 24 घंटार अधिक समय अटक रखिपर ना तो ये तुम जान लगे कौन जदि कौन लोक पुलिस नहीं जाने पुलिस ताकू 24 घंटार अधिक समय निज पाक रखिपर ना ता पूर्व मजिस्ट्रेट जी अच्छा कौन जज ताक अनुमोदन जदि कर 24 घंटार अधिक समय से रखिपर कि पुलिस पाखे केवल गोटे दिन कर अधिकार रोचे तापर यह व्यवस्था केवल भारत नागरिक मानी प्रजोज्य केवल भारतीय नागरिक मानी प्रजोज्य विदेशी नागरिक मैंने सुविधा पापन केवल किए पाने भारतीय नागरिक मैंने पाए क्लीयर तापर से हीपरी जातीय निरापत्ता आईन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नेशनल जातीय सुरक्षा आईन निरापत्ता आईन तेज देश कौन सी है कि प्रतिषेधमूलक अट
କଟକ ଆଇନ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା ଗାଁରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି କେଉଁ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ, ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁବ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗୁଆ ରଖିଦେବ, କାରଣ ଯଦି ସେ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବାଳୀ ଆଇନ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିସ୍ରପ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟାଡ଼ା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ TADA ଟାଡ଼ା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆଗୁଆ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଦେବ କେଉଁଠି, ଜେଲ୍ରେ ନେଇ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ, ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କ'ଣଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଏକ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କ'ଣ, ଆମେ କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଧାରା କେତେରୁ କେତେ, 23-24 ଅଛି କ'ଣ ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ, ତାହେଲେ ଆମେ 12ରୁ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି 24ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀର କିଛି କହିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ମଣିଷ କିଣାବିକା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କିଣାବିକା, ବେଠି ବେଠି ମାନେ ମାଗଣା ଖଟିବା, ବିନା ମଜୁରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଏ, ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିଦେବ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ, ବିରକାଳ ସକାଳେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠିକି ନେଇ ଆର୍ମିରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ବେଠି ଖଟେଇବ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ 2 କ'ଣ, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି, କଳକାରଖାନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା କାମରେ ଯଦି କୌଣସି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ପେନ୍ସିଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ, କ'ଣ ଅଛି, PENCEL ପେନ୍ସିଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକି କେସ୍ କରିଦେବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଲାଇସେନ୍ସ ପଳେଇବ, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ, NC ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, NCLP, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲେବରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି NCLP, ତେଣୁ ଏଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଯାଇକି ଗ୍ରେଭିଏନ୍ସ ଦେଇଦେବ କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବ କି ଏଇ ଲୋକଟା କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା କାମ କରୁଥିବ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କମ୍ ରଖୁଛି, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ଓକେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଲାଗିବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭଲସେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଭେଗ୍ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ଅଧିକ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।